हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, आज हम बच्चों के लिए स्पेशल आटा कुकीज बनाने वाले हैं, वो भी बिना ओवन कढ़ाई में, जिसे ठेकुआ या खजूर भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही अमेजिंग है। और इसे बनाने के लिए ना तो हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे और ना ही बेकिंग सोडा, फिर भी इसका स्वाद बड़ा ही लाजवाब होगा। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सी एक कुकीज़ है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली है। बस खास ट्रिक्स है जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, फिर इसमें 2 कटोरी आटा, आप आटे के जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 1 कटोरी बारीक वाली सूजी डाल रही हूँ। अगर बारीक वाली सूजी ना हो तो आप इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। 2 पिंच नमक, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक हमने मीठा यूज़ नहीं किया है, पर इसमें मीठा हमें कैसे यूज़ करना है इसकी खास ट्रिक है। इसके लिए एक बॉल में 1 कटोरी चीनी लेंगे, फिर इसमें 1 कटोरी पानी डालकर इसे एक साइड रख देंगे। फ्लेवर के लिए आटे में 2 इलायची क्रश करके डाला है, फिर इसमें 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें पानी और चीनी वाले मिक्सचर को डालेंगे। आपको लगेगा कि ये चीनी बीच बीच में क्या होगा, तो इसी से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी ये कुकी। फिर इसे अच्छे से गूंथ कर एक डो बनाएंगे। फिर इसे किसी सरफेस पे रख कर इस तरह से कट करेंगे। फिर आटे के एक छोटे से टुकड़े को हाथ पे रख कर प्रेस करेंगे और इस तरह का शेप देंगे। फिर आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं या चम्मच से इस तरह का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। बाकी बचे आटे का भी छोटा सा हिस्सा लेकर हाथ से प्रेस करके इस तरह का शेप देंगे, फिर इसमें चम्मच से इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने सभी आटे से इस तरह का डिज़ाइन बना लिया है। फिर एक कढ़ाई में लो टू मीडियम फ्लेम पर रिफाइंड ऑयल गर्म करेंगे। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब इन्हें डालकर फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तब इन्हें पलट कर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब गर्मा गर्म ही इनके ऊपर बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ काजू और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालकर डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो इन्हें प्लेन भी रख सकते हैं। तो लीजिए गाइस, बच्चों के लिए स्पेशल आटा कुकीज़ तैयार है। अब मैं आपको इसे सामने से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने टेस्टी एंड टेम्पटिंग लग रहे हैं। सो गाइस, आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और स्टोर करके महीनों तक इंजॉय करें। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी एंड अमेजिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।
आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।